जैसे हवाई अड्डे पर हर 5 मिनट में एक हवाई जहाज आता है ना, वैसे हमारे कैजुअल्टी में हर 5 मिनट में एक इमरजेंसी आती है। चल सर्किट, काम पे लग जा, एक इमरजेंसी। या भाई वही फिर मोटर बाइक एक्सीडेंट। ये आजकल के लौंडे बाइक लेके धूम मचाते रहते हैं और एक आध हड्डी टूटी नहीं भाई, फिर रोना रोना चालू। क्या क्या कौन से हवे बाबा, शाहपुर के नजदीक हुआ था। अरे भाई भाई ये तो बहुत सीरियस लग रहा है भाई। हाँ, सर्किट ये तो सचमुच सीरियस है। एक काम कर, तू जल्दी पेपर बना, अबे दूसरा रिलेटिव किधर है उसको ब्लड बैंक में भेज दे, और तीसरे को अरे वो जाए दवाई लाने को बोल दे। अरे सिस्टर तू किधर, क्या देख रही ले, जल्दी काम करने का अपने को। आसुन वो डॉक्टर अस्थाना को फोन कर दे, अरे उसको बोल इसकी एनाटॉमी की तो धज्जी उड़ गई है, इसका ब्लीडिंग नहीं रुका ना तो साला मर जाएगा। चलो चलो जल्दी करो भाई, ये मोटर बाइक को तो बैनिश कर देना चाहिए भाई, हर साल लगा नहीं कितने हजारों लोग मरते भाई इसमें। अबे सर्किट ये सिस्टम चेंज करने का छोड़, पहले देख ब्लड बैंक में ब्लड मिलता है क्या। अरे लोग ब्लड दान ही नहीं करते, उनको लगता है ब्लड देने से उनको कमजोरी आ जाएगी। अरे एक खून देने से साला 3 हफ्ते में तुम्हारा खून फिर से जमा हो जाता है, काहे की कमजोरी है, लेकिन देते कहां है। ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं है, क्या करूं अभी, बहुत मुश्किल हो गई है। अरे फिर साहब वो 15-20 छाड़े देना, लेके उनको ब्लड बैंक में दिला दे उनका खून, करा चेक उसको। क्या बोलेंगे, सबके सब तो कल्टी मार लिए, अभी क्या करूं, बहुत मुसीबत आ गई है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं अभी। भाई आपका जतविंदर का नंबर है क्या भाई, वो बोलता रहता ना हमेशा कब तक कभी ने मत रखो उन पी जाऊंगा भाई, उसके शरीर में तो और एक टाइप का ब्लड ग्रुप मिलेगा भाई अपने को। क्या साहब आपको मेरे को इधर पड़ी हुई मेरे भाई की और आपको मजाक सोच रहे। अरे अरे ऐसा नहीं, ये मजाक नहीं, वो अपने बाजू में ना धर्मेंद्र ब्लड बैंक है, एनजीओ रन ब्लड बैंक है, अरे उनके पास हमेशा सब खून मिल जाता है। तेरे भाई का जो ब्लड ग्रुप है ना, शायद वहाँ खून मिल जाए, जा उसके पास चला जा। सर लेकिन कुछ भी करके आप उसकी जान बचा लो। देख भाई हम अपनी सारी कोशिश कर रहे हैं, अपने कोशिश में तो कुछ भी कसर नहीं रहेगा। अरे अपन इसके लिए तो फेमस है मालूम है, लेकिन क्या है अब ये ब्लड तो मिलना चाहिए ना, तो एक काम कर जल्दी से जल्दी जा। अरे यार बीपीओ को कॉन्टेक्ट कर, SMS कर, तेरे दोस्तों को बोला, अरे कैसे भी करके ब्लड लाए यार, चल भाग चल। भाई अपने को एक आइडिया है भाई, अपन 2 लाख मच्छर पाल लेता भाई, कम से कम जरूरत पड़ने पे ऐसे अकड़े हुए लोगों का खून चूस के अपने काम तो आएगा ना भाई। अभी ये मजाक का टाइम नहीं है, एक काम कर वो डॉक्टर अस्थाना को फिर से फोन लगा, उसको बोल ऑपरेशन चालू कर। अरे यार वो फिर से वो पेपर के लिए रुका रहेगा, वो भी है ना सर्किट सुधरेगा नहीं, उसको बोल पेपर आएगा ऑपरेशन चालू कर, गो फास्ट बाय। कैसी हो शांतम्मा, कमर अभी भी दर्द है। अरे बाबा इस उम्र में तो कमर कम हिलाया करो, सुनती ही नहीं है। चलो अरे जयंती भाई कैसा है रे तू, ठीक हो साहब? ठीक कहाँ, इनके शुगर्स अभी भी अनकंट्रोल है भाई। बोले तो शुगर कैसे कंट्रोल में आएगा भाई, ये साला तो चुरा चुरा के गुलाब जामुन खाता है भाई, कुछ देखा भाई इसको। जयंती भाई तू यार सुधरेगा नहीं, चलो इनको देखते। कैसे हो? ठीक ठीक। इनको बुखार और जॉन्डिस हुआ है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया। हाँ ये तो बुखार तो है इनको, अरे बाप पीलिया भी है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हमेशा मलेरिया हो सकता है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज्यादातर लेना नहीं चाहिए। चलो इनको मलेरिया का इंजेक्शन दे दो, ठीक हो जाएंगे। आपका लाख लाख शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा भाई बच गया, अगर उस दिन ब्लड नहीं मिलता तो फिर क्या और कोई उपाय नहीं था। ये तो है, कुछ कुछ उपाय रहते हैं, हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना जरूरी नहीं रहता, लेकिन अभी इन्हें तो देना ही पड़ा। ये बेटा बस। नमस्कार बेटा, काय म्हणतोय? बरं आहे ना तुम्ही? हो चांगलं आहे। तुम्ही इथे कसे? माझं बायपास ऑपरेशन केलं आता 15 डिसेंबरला। हो माहितच नव्हतं, पण मग बायपासच्या दरम्यान तुम्हाला रक्त पण भरपूर लागलं असेल। हो मला 2 बाटल्या ब्लड लागलं। मग हे रक्त तुम्ही कसं काय? हे मी माझं ब्लड स्वतःच मला स्वतःलाच दिलं। स्वतःचं रक्त स्वतःला देता येतं? हो कसं काही प्रॉब्लेम नाही, जसं आपण इथे खा झाली की आपण स्वतःच्या हाताने खात होतो, जर मॉलिश करायचं असेल तर स्वतःच्या हाताने करतो, जर आपल्याला आपलं ब्लड प्रेशर चांगलं ठेवायचं असलं तर आपण स्वतः प्राणायाम करतो, तशा प्रकारे मी माझं ब्लड स्वतःलाच दिलं। हो हे शक्य होऊ शकतं? हे शक्य होऊ शकतं। याच्यानी काय याचे दुष्परिणाम किंवा याचा काय त्रास नाही? काय झालं माहितीये का, 15 ऑक्टोबरच्या सुमाराला मला डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट द्यायला सुरुवात केली, पहिल्यांदा इंजेक्शन दिली पूर्वी आणि मग नंतर टॉनिक्स दिली।
की ज्याच्यामुळे माझं ब्लड मध्ये हिमोग्लोबिनचं प्रमाण 15 ग्रॅम पर्यंत वाढलं. ते वाढल्यानंतर माझं ऑपरेशन केलं. ऑपरेशनच्या अगोदर माझं 2 बाटल्या ब्लड काढून घेतलं जे मलाच परत देण्याकरता. आणि त्यावेळा जे ब्लड खराब होत वाया जात होत ते पण त्यांनी मशीन मध्ये घालून सेल सेपरेटर म्हणून मशीन मिळतो त्याच्यामध्ये प्युरिफाय केलं की ज्यामुळे पिलिया किंवा अलर्जी किंवा दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारचे रोग त्याच्यातनं मला मिळाले नाहीत. मला प्युअर ब्लड मिळालं. म्हणजे जे आपलं रक्त वाया जातं ते पण परत वापरलं. ते पण वापरलं गेलं. त्यामुळे मला फार बरं वाटलं. मला कोणावर अवलंबून राहायला लागलं नाही ब्लड देण्याकरता. ही तर उत्तम गोष्ट आहे. मी माझ्या नातेवाईकासाठी पण ह्याच प्रक्रियेसाठी आलो होतो. असंच कर रूपाने मला मार्गदर्शन उत्तम असंच कर असंच मी करेन. तो है ये किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए भी किया जा सकता है क्या भाई? अरे क्यों ना यार, उसके लिए भी तो किया जा सकता है. किसका होने जा रहा है क्या? ओ भाई क्या है ना, अपना चचेरा भाई ना, हाँ उसका किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है भाई. अच्छा, अरे इसमें तो बहुत ही अच्छा है. क्या होता है जब हम दूसरे का खून लेते तो सलावर रिएक्शन होने का डर रहता है. अरे अपना ही खून लो, रिएक्शन से बचो, सबसे अच्छा तरीका है. अरे क्या बात कर रहा भाई. हाँ अरे क्या रामचंद्रन, कैसा है तू? I am fine sir. Good. I was listening to your talk. अच्छा. Tell me sir, ऐसा कितने बोटल खून हम अपने लिए जमा कर सकते हैं? अच्छा तू पूछ रहा है ऐसा कितना खून अपन जमा कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन रामचंद्रन, गुड क्वेश्चन. अरे ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है. बहुत लोग समझते हैं 1-2 बोटल खून अपने लिए जमा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा जल्दी चालू करने का, अरे खून पहले बढ़ाने का, 2-3 महीने में 10-10-15-15 दिन में एक एक खून जमा करने का, अरे 5-6 बोटल भी खून अपने लिए जमा कर सकता है ना. अच्छा तरीका, सर्जरी भी करो, अपना ही खून अपने लिए रखो, है ना. गुड रामचंद्र, यू आर डूइंग वेल, गुड. धर्मेंद्र जी कहते थे ना कि मां कसम, ऑपरेशन के वक्त निकला हुआ खून का एक एक कतरा चिक चिक के कर रहा है. लौटा दो मुझे अपने खून में, अपने शरीर में, मत करो मुझे बर्बाद, लौटा दो मुझे. तो आइए एक संकल्प करें, रक्तदान एक श्रेष्ठ दान दूसरों के लिए, अपने खून की मांग करें अपने लिए.